पुराने गाने सुनने का नया तरीका, सारे गामा कारवा गो। कुछ गाने मौसम को रोमांटिक बनाते हैं, तो कुछ गाने बदलते मौसम पर बनते हैं। ऐसे गाने जो हमारे एहसास को अपने एहसास से जोड़ देते हैं, वही तो कहलाते हैं प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे। नमस्कार, मैं हूँ रुचि आपके साथ। आज 27 जून है और आज म्यूजिक माइस्ट्रो आरडी बर्मन जी का जन्मदिन है। आरडी बर्मन, जिन्हें इंडस्ट्री में प्यार से पंचम दा बुलाया जाता है, उन्होंने हर इमोशन, हर सिचुएशन के लिए गाने बनाए हैं। उन्हीं में से एक है आज का प्लैटिनम सॉन्ग। गाना है अजनबी फिल्म से किशोर दा की आवाज में, भीगी भीगी रातों में। ये गाना आज भी लोगों का फेवरेट रोमांटिक मॉनसून सॉन्ग है। अजनबी फिल्म में पहली बार राजेश खन्ना जी और जीनत अमान जी साथ में दिखाई दिए थे। उस दौरान राजेश जी आशा पारेख, शर्मिला टैगोर या फिर मुमताज जी के साथ फिल्में किया करते थे, तो जीनत अमान जी के साथ उनकी पेयरिंग काफ़ी अनयूजुअल थी। लेकिन ये जोड़ी भी हिट हुई और इस फिल्म के बाद दोनों ने साथ मिल करके 4 और फिल्में की। लेकिन सबसे ज़्यादा अजनबी फिल्म को ही सराहा गया और मैं कहूँगी कि आधा श्रेय तो इसके म्यूज़िक को जाता है। तो आरडी बर्मन जी के नाम आज का ये शो और आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे सुनिए। भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में कैसा लगता है, ऐसा लगता है तुम बनते बादल, मेरे बदन को भीगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो, ऐसा लगता है तुम बनते बादल, मेरे बदन छेड़ रहे हो। जब जीनत अमान जी और राजेश खन्ना जी ने ये फिल्म साइन की, तब राजेश जी ऑलरेडी एक बड़े सुपरस्टार थे और जीनत अमान जी एक न्यू कमर। लेकिन एक पल के लिए भी राजेश जी ने उन्हें एक आउटसाइडर जैसा फील नहीं करवाया। वैसे शुरुआत में दोनों ही काफी रिजर्व थे, लेकिन जैसे जैसे वो फिल्में करते गए, दोनों का कम्फर्ट लेवल भी बढ़ गया और ये उस जमाने की सबसे सुपर हिट जोड़ियों में से एक साबित हुई। ऐसा लगता है तुम बन के घटा, अपने सजन को भीगो के खेल खेल रही हो, खेल रही हो, ऐसा लगता है तुम बन के बादल, मेरे बदन को भीगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे सुन रहे हैं आप मेरे यानी रुचि के साथ। पंचम दा हमेशा अपने गानों की इंस्पिरेशन को लेकर वफादार रहे हैं। उनकी धुन अगर किसी और धुन की तरह लगती थी तो वो या तो उस कंपोजर को क्रेडिट देते थे या फिर वो धुन ही छोड़ देते थे। लेकिन उनके कहीं भी किसी भी वक्त गाने कंपोज करने के टैलेंट के मुकाबले कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाया। अपने सपनों से लेकर कार की डैशबोर्ड तक, कंघी से लेकर बोतल तक, पंचम दा ने हर छोटी बड़ी चीज़ से म्यूज़िक कंपोज किया और शायद इसीलिए वो गोल्डन एरा के सबसे क्लासिक म्यूज़िक डायरेक्टर माने जाते हैं। वैसे जानते हैं, उनका फेवरेट रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुंबई के तारदेव फिल्म सेंटर में था, क्योंकि वो एक लौता ऐसा स्टूडियो था उस समय का जिसमें ग्रैंड पियानो था जिसका म्यूज़िक उनके दिल के सबसे करीब था। बरखा से बचा लूं, तुझे सीने से लगा लूं, आंसू पालू, आंसू पालू, बरखा से बचा लूं, तुझे सीने से लगा लूं, आंसू पालू, आंसू पालू, दिल ने पुकारा देखो, रुत का इशारा देखो, उफ ये नजारा देखो, कैसा लगता है बोलो, कैसा लगता है कुछ हो जाएगा, मस्त पवन के ये झुके सैया, देख रहे हो, देख रहे हो,
आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे सुन रहे हैं आप, जो कि है अजनबी फिल्म का गाना भीगी भीगी रातों में। पंचम दा का कंपोज किया हुआ गाना है और आज पंचम दा का जन्मदिन भी है, जिसे मैं यानी कि रुचि और आप इस गाने के जरिए सेलिब्रेट कर रहे हैं। पंचम दा ने वेस्टर्न म्यूजिक केर्सी लॉर्ड जी से सीखा था, जिनके पास लॉन्ग प्ले जैज रिकॉर्ड्स, लैटिन अमेरिकन, यूरोपियन और मिडिल ईस्टर्न म्यूजिक का बड़ा कलेक्शन था। केर्सी लॉर्ड एक इंडियन फिल्म स्कोर कंपोजर, म्यूजिक अरेंजर और अकॉर्डियन प्लेयर थे, जिन्होंने गोल्डन एरा के कई नामी म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया था। वैसे वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक एक लौता ऐसा जॉनर था जो पंचम दा को बहुत अच्छा लगता था, वरना हर दूसरे जॉनर में वो कुछ कमियां निकालने लगते, रागों को खुद से बदल देते, जो कि बाकी म्यूजिक कंपोजर्स को या फिर म्यूजिक लवर्स को पसंद नहीं आता था। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले गाने की ओर, सुनते हैं पंचम दा की कॉम्पोजिशन और आशा जी रफी साहब की आवाज में ये गाना। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। है वफा क्या इस जहां, एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को,
नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ले लिया दिल हाय मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे भीगी भीगी रातों में को हम कर रहे हैं सेलिब्रेट। मैं हूँ रुचि आपके साथ। पंचम दा ने हिंदी सिनेमा को कई यादगार गाने दिए हैं, लेकिन उनके जिंदगी में एक ऐसा भी समय आया था जब साल में 25 फिल्में करने वाले पंचम दा के पास कोई काम नहीं था करने को। लेकिन ऐसे दिनों में भी वो कभी निराश नहीं होते थे, और जो बात उनके पिता SD बर्मन जी ने उन्हें कही थी उस पर विश्वास रखते थे। सचिन दा कहते थे कि वेन यू डोंट हैव वर्क क्रिएट म्यूजिक, दैट क्रिएशन विल वर्क फॉर यू। जब काम नहीं हो तो म्यूजिक बनाओ, वो म्यूजिक तुम्हारे लिए और काम लेकर आएगा। और ऐसा ही हुआ पंचम दा के साथ। सालों साल तक उनके पास में ऐसी धुनें रखी रहती थी जो कि वो बाद में यूज करते रहते थे। चलिए उन्हीं की याद में सुनाती हूँ आपको उन्हीं का एक और खूबसूरत गाना। सुनते रहिए प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें
क्या पता ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना हमें तुमसे प्यार। तो आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे आरडी बर्मन जी की याद में उनके जन्मदिन पर हमने बनाया था गाना भीगी भीगी रातों में। आई होप आपको ये गाना और इस गाने से जुड़ी हुई सभी बातें बेहद पसंद आई हों। पंचम दा का कौन सा गाना है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और मैं यानी कि रुचि और आप ढेर सारी बातें करेंगे। उसी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, सारेगामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बार फिर से सुनिए आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे। भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में ऐसी बरसातों में कैसा लगता है हाँ ऐसा लगता है तुम बनते बादल मेरे बदन को भीगो के मुझे छेड़ रहे हो छेड़ रहे हो ऐसा लगता है तुम बनते बादल मेरे बदन को भीगो के मुझे छेड़ रहे हो छेड़ रहे हो ऐसा लगता है तुम बनके घटा अपने सजन को भीगो के खेल खेल रही हो खेल रही हो ऐसा लगता है तुम बनके बादल मेरे बदन को भीगो के मुझे छेड़ रहे हो छेड़ रहे हो बरखा से बचा लूं तुझे सीने से लगा लूं आंसू पालूं बरखा से बचा लूं तुझे सीने से लगा लूं आंसू पालूं दिल ने पुकारा देखो रुत का इशारा देखो उफ ये नजारा देखो कैसा लगता है बोलो ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा